हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरप्राइज जेट एयरलाइंस। अर्चना जी, यकीन नहीं हो रहा है, फाइनली हम बाली जा रहे हैं विथ माय वेरी डियर जूली 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 जूली। वैसे जूली, तुमने ध्यान से देखा ना, यहाँ पर आसपास किसी ने हमें साथ में आते हुए देखा तो नहीं ना? पर यहाँ पे तो लोग कपिल को देखने आते हैं। जूली जूली, हवाई जहाज अब तक उड़ा नहीं है और तुमने उड़ना शुरू कर दिया। जरा कायदे में रहो, फायदे में रहोगी, वरना सबसे कम टाइम में यहाँ से एग्जिट मारने वाली सबसे पहली महिला कलाकार होगी तो। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लीजिए, ये यहाँ पहला आदमी है जिसे हमसे डिस्टर्बेंस हो रही है। जरूर किसी दूसरे चैनल का आदमी होगा। आवाज नीचे रखे बात कीजिए। और हम इसी चैनल के हैं, समझे? इसी चैनल के आदमी जी। देखो यार, अगर इसी चैनल के आदमी हो तो हमने अगर तुम्हें इसी चैनल की औरत ना बना दिया ना, तो हमारा नाम भी द कपिल शर्मा शो नहीं। पर आपका नाम तो बच्चा है ना? नहीं नहीं, वो नाम कौन जानता है, कौन देखता है यार। जो नाम देखा जाता है उसी का नाम लेंगे ना। वैसे तुमको सच बताएं, हमने तो अपने बच्चे के स्कूल में भी नाम के जगह पे लिखवाया है सन ऑफ द कपिल शर्मा शो सीधा। फिर तो उसके नंबर की जगह टीआरपी आती होगी। देखो यार, तुम हमसे ज्यादा ऑडियंस को हंसाने की कोशिश ना करो, वरना इनसिक्योरिटी के चलते हम तुम्हें यहाँ से बाहर कर देंगे। ठीक है। ना 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 ना, तुम भी इनसे ज्यादा हंसने की कोशिश ना करो, वरना हम तो सिर्फ बाहर करते हैं, ये गायब कर देती है। अनुभज बैठो यार, तुम अपना पढ़ो, जो पढ़ना है तुम इधर आओ यार। हैव अ सीट, हैव अ सीट, आओ बैठो। हेलो हेलो, हाँ नीनी, मैं एक हफ्ते तक बिजी हूँ। वो क्या है ना, मैं मनाली जा रही हूँ। हाँ। ये तो हमारी साली है, हमको छुपाओ छुपाओ छुपाओ, हमको छुपाओ। अरे बंटी, तुम्हें पता है मैंने जीजू और दीदी को 2 मिनट में बेवकूफ बनाया बोल के कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हाँ। सुन, पत्ते कैरी किए ना? परफेक्ट, ठीक है, ओके बाय। Excuse me, ये सीट मेरी है। Excuse me, जीजू, आप यहाँ? कौन जीजू? हम तो मोंटी हैं, मोंटी। अरे देखिए, शायद आपको पता नहीं है, इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, इसके लिए आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, देखिए दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग एक ही बदन में सिर्फ आप ही हो सकते हैं। So, जीजू उर्फ बच्चा यादव, दीदी को पता है आप यहाँ फ्लाइट में है कि मैं बताऊं? देखो देखो, तुम भी अपने जॉब का नाम लेकर जुआ खेलने जा रही हो, हम बताएं तुम्हारी दीदी को? टिट फॉर टैट, हम भी बता देंगे। बेबी, ये कौन है? बेबी? एक्सक्यूज मी, घर में 11-11 बेबी बाबा करने के बाद बाहर ये बेबी बेबी खेल रहे हैं? कौन बेबी? कैसी बेबी? हम तो इसको जानते तक नहीं है। क्या? ये जो है, ये अपना हमारे साथ नहीं है, ये इन भाई साहब के साथ है, इनके साथ है ये। और तुम भी कोई जगह देके बैठ जाओ ना भूरी। आप तो मेरी सीट पे बैठे, मैं कहाँ बैठूं? एक्सक्यूज मी, आप मेरे साथ बैठ जाइए, हम साथ में बैठ के पढ़ लेंगे। देखो बेटा, जिस स्कूल में तुम स्टूडेंट हो ना, वहाँ मैं मुर्गा बनती हूँ। हाय, मुर्गा बनती, यही बोलना चाहती है ना आप? हाय, हाउ यू? सपना, तू यहाँ? हाँ। कैसे? मैं तो चिल्क मारने के लिए आई हूँ, गोवा जा रही हूँ मैं। एक मिनट, तुम गोवा जा रही हो? हाँ। हम बाली जा रहे हैं, ये मनाली जा रही है, तुम गोवा जा रही हो, एक ही प्लेन में सब लोग अलग अलग जगह कैसे जा रहे हैं? हाँ। कुछ तो गड़बड़ है, ए होस्टेस को बुलाओ। ए होस्टेस, ए होस्टेस, हम है जिले लाही। अर्ज किया है? वाह, लॉकडाउन में कुछ औरतों की निकल आई थी मूछें। लॉकडाउन में कुछ औरतों की निकल आई थी मूछें, मर्द सोच रहे थे अब दारू के लिए किसको पूछें। मर्दों को आदत सी पड़ गई है कपड़े और बर्तन धोने की,
मर्दों को आदत सी पड़ गई है कपड़े और बर्तन धोने की। सोनी साहब की गोद में एक शेर अर्ज करती हूँ। गोद में नहीं, किसी के सामने शेर अर्ज होता है, किसी की नजरों में शेर अर्ज होता है। हे लोमड़ियों की देवता। अर्ज किया है इरशाद, अर्चना को बुलाया है, परमीत को बचाया है। अर्चना को बुलाया है, परमीत को बचाया है। कुछ लालची मर्दों ने खुद को औरत बनाया है। ये समझती खुद को ग्लैमरस, ये समझती खुद को ग्लैमरस, लेकिन है ये गुड़िया जादू टोने की। एक्सक्यूज मी सर, मैडम, ये हमने एयर होस्टेस को बुलाया था। हाय अल्लाह, पपीते में स्ट्रॉ कौन लगाता है? हम आपको एयर होस्टेस नहीं लग रहे जलीला है। नहीं, अगर नहीं लग रहे तो उतार के फेंक दो हमारा कढ़ाई वाला कुर्ता, उतार के फेंक दो हमारी सलवार। नहीं नहीं, खबरदार जीजू, अगर इनके कुर्ते को हाथ लगाया तो मैं दीदी को बोल दूंगी, फिर दीदी ना आपकी धोती को फाड़ के ना इसका रुमाल बना देगी। हाय टिड्डी आपा, करवा दीजिए ना इनकी धोती का रुमाल, हम उसको अपने सीने से लगा के रखेंगे। देखिए, अगर आपको रुमाल की जरूरत है हम बाजार से लाके दे देंगे आपको। ऐसे रुमाल अगर दुकानों से मिलते तो हम आपके गोदाम का दरवाजा नहीं खटखटाते। पापा, सॉरी आपा, आप ना एयर होस्टेस, आप सीट बेल्ट लगवाओ, थुमके मत लगाओ। सुनिए बड़े मुंह वाली आपा, जिनके खुद के फ्लैट ठुमकों के बलबूते बने हो, वो दूसरों के ठुमकों पे संदेह नहीं करते। देखिए मैडम, आप प्लीज बताइए कि ये एक फ्लाइट बाली गोवा मनाली कैसे जा सकती है? जब एक ही चैनल पे क्राइम पेट्रोल, इंडियन आइडल, द कपिल शर्मा शो आ सकते हैं, तो एक ही फ्लाइट अलग अलग जगह पे क्यों नहीं जा सकती? ऐसा क्या है? ये क्या बात हुई? ये एयरलाइन है कि अलादीन का चिराग है कि इसे घिसेंगे तो जिन निकलेगा और जिसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा देगा। हाय तौबा। जीजू, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। गड़बड़ गड़बड़ कर रहे थे, आ गया गड़बड़। कुली कुली कुली, किसका बोझा उठाना है? देखिए फिलहाल तो हम सब आपका बोझा उठा रहे हैं। अर्चना जी, लाइन बिल्कुल ठीक है, आई गलत मुंह से। अर्चना जी, जवाब मैं भी दे सकता हूँ, बस एक बार ये मुंह पक्का हो जाए शो में। एक मिनट, जहाज में कुली कैसे आ सकता है? अगर कुली ठाकुर हो तो कहीं भी आ सकता है। ऐसे ही नहीं आ सकता है, सोनी साहब से परमिशन लेके आया है। अच्छा, सोनी साहब ने तो हमसे कहा था ठाकुर कहीं भी दिखाई दे तो उसके आगे के दो द्वार तोड़ देना, उसके पीछे के दो द्वार भी तोड़ देना। बाजू में ये बिल्ला बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपके बाजू में जो बागड़ बिल्ला है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बागड़ बिल्ला किसको बोले? चूहे, चूहे। निकलो यहाँ से वरना कुतर देंगे तुमको, अब तो तुम निकलो बस। अरे, और एक ये फ्लाइट के अंदर कुली कैसे आ सकता है, ये कौन सा लॉजिक है? अरे लॉजिक किससे मांग रहे रे तू? ये जो फ्लाइट है ना, ये कॉमेडी सर्कस से उड़ा के हम लोग लेकर आए ले इधर। बात कर रही है, मैं भी खड़ी हूँ। हाँ, और शुक्र करो तुम भी इस फ्लाइट में चढ़ गई, वरना तुम्हारी हालत ना आपातकालीन स्थिति जैसी हो जानी थी। क्यों पड़े हो तुम मेरे पीछे? क्योंकि तुम ही मेरे बराबर की हो, बाकी सब आगे निकल गए। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या पढ़ रहे तू? मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ। कुछ भी पढ़ रहे? इधर सोनी टीवी के करोड़ों रुपए लगे, तू कुछ भी पढ़ रहा है? ए चल तू सुना, सुना चल तू सुना, चल सुना सुना, तेरे को कुछ बोल रहे थे साथ, सुना 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 सुना। हाय गरीबों के जैकी चैन, ये क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी पढ़ा हूँ। हाँ मुझे पता है, तू वैसे इधर आउट ऑफ सिलेबस घूम रहा है। मैं अर्चना जी बता रही, बिना पढ़े लिखे के मैं किसी को भी अंदर आने नहीं देगी। अच्छा, और तू क्या पढ़ रहे रे? सुना मेरे को, सुना तू, सुना ये दे, ये ले, ये तू पढ़, ये तू पढ़, दोनों का भी सुनाने का मेरे को। अगर नहीं सुनाए ना तो मुर्गी बना के तुम लोग का ऑमलेट निकालेगी मैं इधर। ऑमलेट थोड़ी निकलता, अंडा निकलता है। नहीं, तेरा तो ऑमलेट निकलेगा, वो भी कांदे के साथ में, तेरे को तो पता ही नहीं। ठीक
ठीक है जा चल जा, मैं याद करके आता हूँ। तो हाजरीन, विमान की कमान को हाथ में लेते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ। तो इस जहाज में एक एयर होस्टेस है जो अपनी सेवा में हाजिर है। So cute. एक मिनट, हमारी सेवा में होना चाहिए, अपनी क्यों? हट। ऊंचाई से हमको डर लगता है, इसलिए ऊपर जाके मैं अपने ध्यान रखूंगी। विमान में हवा के दबाव कम होने पर आपको मूली के पराठे मिलेंगे। हैं? मूली के? एक मास्क देते हैं, मूली के पराठों का क्या होगा? हवा का दबाव बराबर हो जाएगा। देखिए, हम बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं, सिम्टम्स को नहीं। सबसे पहले बताओ ये है कौन, जड़ है कि सिम्टम है? ये हमारी बीमारी की वैक्सीन है। जिल्ले लाही, हमें अपने प्यार में सैनिटाइज कर दीजिए ना। करेंगे करेंगे, आप सबसे पहले अपना हाथ धोइए, 15 सेकंड तक लगातार हाथ धोइए, वो भी पूरी तरह से मल मल के। हाथ तो हम मल मल के धो लेंगे, लेकिन हमारी पीठ थोड़ा मल दीजिएगा, हमारा हाथ जाता नहीं है। क्या कह रही हैं आप, और लपेट क्या तू धोती? तो धोती लपेट के आएंगे ना, क्या चादर लपेट के आ जाएंगे क्या? चादर लपेट, चाहे दादर लपेट, चाहे फादर लपेट, ये तेरा बांद्रा नहीं छोड़ने वाली है। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी ना, तू कह मत, तू सुन, देख कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। सही सही एकदम सही। तू क्या हंस रहे, तू क्या हंस रहे? चल 90 का टेबल सुना। हाँ मैं हिंदी की किताब पढ़ रहा हूँ। हाँ तो 90 का सुना। चल अरे अरे, सपना इतना क्यों भड़क रही है, क्या हो गया? जिनके ख्वाब पेंट कोट के हों और वो घूम पेटीकोट में रहे हों, तो उनके जज्बातों के शोले तो भड़केंगे ही। एक तो यहाँ पर हमारी सीट बेल्ट लग नहीं रही है। दुनिया की कोई भी बेल्ट लगा लो, आपको अगर पूरी आ गई तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये लीजिए जिल्ले लाही, ये लीजिए। ये क्या, ये चुन्नी क्या बांध रहे हैं आप? समझदार को इशारा काफी होता है जिले लाही। अगर कोई राखी बांधे तो बहन, और अगर कोई दुपट्टा बांधे तो लहन दहन दहन दहन। आपकी कहने का मतलब क्या है? आप मुझे प्लीज सही मत समझिएगा आपा, मेरा गलत मतलब ही था। मेरे को ना टॉयलेट लगी है, प्यास कहाँ है? ए, तू दो चीजें एक साथ गलत बोल रही है। हाँ ये तो 100 चीजें एक साथ गलत बोल रही है, सबसे पहले इसको समझा तू। तो एरोसी सापा उड़ाओ, नहीं तो मैं इधर मचा दूंगी स्यापा। अरे अरे सपना यार, ऐसे कैसे, सेफ्टी भी तो कुछ होती, अगर मुझे कुछ हो गया तो? इतने सालों से तेरा हुआ कुछ? तू तो शुक्र कर, तो इतने तेरा कुछ हो रहा है, नहीं तो आजकल लॉकडाउन में कहाँ हो रहा है कुछ? मैं सच बताऊँ, मुझे अभी करो ना बेबी डॉल में सोने दी। वाओ, अब कितना अच्छा गाती हो। तुझसे पूछा किसी ने कितना अच्छा गाती है? उसके लिए जज रखे ले हमने, वो बताएंगे कितना अच्छा गाते है। Excuse me, air hostess, मुझे प्यास लगी है, जरा पानी। या 10,000 फीट नीचे है, जाके पी लो। क्या हवाई जहाज उड़ चुका है? अरे हमें तो लगा अभी तक जमीन पर है। हाँ ये होता है असली कलाकार, कितना भी उड़ जाए लेकिन जमीन पे रहते हैं। एक हमारी अर्चना जी 4 एपिसोड बैक टू बैक कर ले, जाके पति को पीट देती है। अरे प्लेन उड़ गया क्या? हाँ। अरे तो पहले बताने का ना, मेरे को अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डालने का था। अरे तो अभी डाल दे। नहीं फोन खराब है। तो खराब फोन लेके क्यों चली है? अरे कभी कभी ऐसा रहता है, खराब चीज ना साथ में लेके चलनी पड़ती है, ताकि अच्छी चीजों को नजर न लगे। कुछ समझी नहीं समझी ना? तो फिर काहे को आती शूटिंग पे? कितना बोलती हैं आप, बड़े मुंह वाली आपा। हा? आपको पता है जितना मेकअप करके आप लड़की लगती है ना, इतना तो हम एकदम से जब उठते हैं तभी लगते हैं। सच्ची बता रही, इधर चलते हम लोग को किधर नहीं जाने का, चलो चलो चले। हाँ चल चल, हैंड्स अप करने का सब लोग को, भाई लोग बहन लोग सब हैंड्स अप, ये प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या ये तेरी किताब में लिखा है क्या? फालतू गिरे नहीं करने का उनके साथ। हाय, हमें तो ये सच का किडनैपर लगता है जिले लाही, हमें इस कहर से बचाइए, आपकी मर्दानगी दिखाने का वक्त आ गया है, इससे भिड़िए, इससे लड़िए। लगता है साड़ी पहनने का वक्त आ गया है, पायलट चूड़ियां निकालो, शुरू करो। भाई साहब आपने अच्छे नहीं गया, आप मुंबई नहीं आ सकते। हाँ तो आप भी मुंबई नहीं आ सकती। हाँ देखा, हम दोनों मुंबई नहीं आ सकते, हम लोग को ड्रॉप कर दो ना रस्ते में प्लीज। तेरे को ड्रॉप मांगता है? दिमाग पाता था, दिमाग का कोटा था पूरा नहीं करने का। एक मिनट सोनू सूद को मैं ट्रीट करती है। हाँ हम लोग प्रॉब्लम में, हम लोग को घर भेजो।
अरे वाह, सोनू सूद का रिप्लाई भी आ गया। आगे, आगे, बोले घर जाना, तैयार हो जाओ, सब लोग घर जाएंगे। चलो 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 चलो। अरे तो बोला ना, एकदम सीरियस, जो अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा, वरना एक एक को अपुन भून डालेगा, समझा? मुझे ज्यादा मत भूनना, डॉक्टर ने भुना और तला मना किया है। अरे वो तंदूर वाला भुना नहीं है, ये बंदूक वाला भुनने का हम लोग को गोली मार देगा। कहाँ फंस गए हैं हम, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। आपने हमें खाई कहा, आइए आपको खाईलैंड की सैर करवाते हैं। खाईलैंड टूरिज्म आपका स्वागत करता है। ख्वादी काम। बस मार दो यार, तुम हमको मार दो हमको। ऐसे कैसे मार दे भाई साहब, आपको क्या चाहिए हम सब बताए, क्या चाहिए? क्या? 10 करोड़ चाहिए आप उनको। इधर एक साल से मैं 1 करोड़ मांग रही है, मेरे को आज तक नहीं मिला। तू 10 करोड़ मांग रहा है, वो भी 10 मिनट किताब पढ़ने का? हाँ, अगर आधा घंटा किताब पढ़ता तो सोनी टीवी से शेयर भी मांग लेता। ये जिलेला है, लोग यहाँ खड़े खड़े शेयर कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े हमें सब्सक्राइब ही कर दीजिए। चुप रहिए वरना आपका बेल आइकन तोड़ देंगे अब। ये क्या किया आपने? ये जो आपने कमेंट किया उसको लाइक कर रहे हैं। कैसा किडनैपर है तू? इधर देवदास चल रहा है और मुकेम्बो बन के खड़ा है तू? मेरी माँ, अब उनको पहले तो ये बता, तेरी देवदास में मुकेम्बो किधर से घुसा? बोल। तू बस इसी चीज में लगा रहे कि देवदास में मुकेम्बो कहाँ से घुसा, जोधा अकबर में रोमियो जूलियट कहाँ से घुसी। मुझे लगता है तू जैसा परफॉर्म कर रहा अगले गैग में तू नहीं होगा, बता रही है मैं। अरे ऐसा नहीं। एक मिनट भाई साहब, गन में कुछ लगा है, गन में कुछ लगा है, दिखाइए। गन हमारे हाथ में लगा है और अब तुम्हारे माथे पे लगा है। गन, प्लीज मैं एक सेल्फी ले लूं प्लीज। गन के साथ? हाँ, हम भी पाउट करेंगे, हमारी भी फोटो लीजिए। चलिए हाथ ऊपर कीजिए। हाँ। चलिए उधर जाइए थोड़ा सा। मैं भी आऊँ क्या थोड़ा सा? सारे हाथ ऊपर करो, चलो। तू, तेरे से गन संभाली नहीं जाती क्या? अगली बार ऐसे गलती की ना, सबसे पहले तेरे को ठोकेगी, समझा क्या? एक सेकंड, आप बाली इसके साथ जा रहे थे? दीदी को बताना पड़ेगा। ए तू चुपचाप ना सीधी खड़ी हो जा, नहीं तो दीदी तेरा देवर दीवाना कर दूंगी, समझी क्या? सारे सीधे खड़े हो जाओ, चलो। कुछ भी कर, चलो। शाबाश चीते, शाबाश। ये कौन है? शाबाश चीते, शाबाश। बहुत अच्छे। ए, बहुत अच्छे की कैप्सूल। क्या रे? हाँ, कौन है तू? कौन है बोल, रोकूं क्या? अबे अपना दोस्त ही समझ। क्या बात कर रहे? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आए हाय। हाँ, दुश्मन है। मेरे को बोझा बोल रहे थे ये लोग। ये देखो, ठंडे पहाड़ों का ऊद बिलाव। ये अर्चना जी को बताओ, ये बोझा जहाज के अंदर नहीं, जहाज की डिक्की में डालते हैं। चलो ये, अच्छा ये भी जहाज में सफर कर रही हैं। अर्चना जी, लोकल ट्रेन में टीसी आ जाए ना तो बाथरूम में लोटा बन के छिपती है ये। इधर आओ, जहाज में सफर कर। अर्चना जी, आप जाते हैं बिजनेस क्लास, हम जाते हैं इकोनॉमी क्लास, ये मामा क्लास में आते हैं। जहाज में और ये इधर... नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारे नाम पे तो जहाज चल रहा है, तो देख लीजिए। अच्छा जी, बदला भी हो गया, चापलूसी भी हो गई, अब आते हैं मेन काम पे। इनसे पैसे निकलवा, ये गन मुझे दे। इनको मैं संभालता हूँ भाई, तुम्हारे लिए। सच्ची? हाँ, प्रॉमिस एकदम। हाँ, चलाते कैसे हैं? देख, इसको ऐसा करने का, ऐसा कर, ऐसा तानने का, ऐसा तान के दिखा, ऐसा। बेटा, मेरे दोस्तों को किडनैप करेगा तू? नहीं नहीं, एक मिनट दे, एक मिनट दे, ये ले, मार दे हम लोग को, मार दे, नहीं तो पता है कहीं जिंदगी भर बोलेगा तुम लोग को बचाया था और 100 एपिसोड में बुलाओ हम लोग, मार दे, अपुन मार दे। ओह माय गॉड, ये क्या है? क्या है? पैर, जिससे हम बहुत अच्छा भागते हैं। तू किधर भाग रहे हो? किधर भागो, भागो। सबसे पहले मेरे को बता किताब में क्या लिखा था। अरे अपुन को, अरे भाग, ए इनम, अबे अपुन किधर जाए? ए नहीं, जा सब निकलो। आउटस्टैंडिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
Click the show links and enjoy watching the videos.